सभी को नमस्कार। तो जादुई क्लास की शुरुआत हो चुकी है। बस 8:30 बजे 5-7 मिनट में जादू लेने आ जाया करो और उसके बाद में पूरे दिन है ना उस चीज को याद रखो। और जो भी टॉपिक बताऊं, जो बात बताऊं, चाहे दो बात ही हो लेकिन आपको याद होती है और बाद में वो टॉपिक पढ़ते हो तो आपको लगना चाहिए कि इतना तो मेरे को याद है, अब इससे आगे चलना है ना। थोड़ा सा मैं बताऊं, थोड़ा सा आप सीखेंगे तो कुछ ना कुछ बढ़िया ही रिजल्ट आएगा। तो अगर पूरा जीके पढ़ना चाहते हैं तो पूरा कंप्लीट कोर्स है और कंप्लीट बुक है जिसका ऑर्डर आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, ये मार्केट में उपलब्ध नहीं होगी। करें शुरू। क्वेश्चन आपके सामने है कि साबी नदी अब देखिए बेराट की पहाड़ी से निम्न में से किस नदी का उद्गम होता है? साबी, कांकणी, बाणगंगा या चंबल? याद करना है इसको। दो तरीके हैं, रट्टा लगाओ समझ लो, रट्टा लगाया हुआ एक दिन याद रहेगा, समझा हुआ हमेशा। S4S साबी का उद्गम सेमर पहाड़ी से होता है। साबी का उद्गम सेमर की पहाड़ी से होता है। साबी का उद्गम सेमर पहाड़ी से। कैसे कांकणी, कैसे कोटड़ी, कैसे कांकणी, कैसे कोटड़ी। कांकणी का उद्गम कोटड़ी गाम पहाड़ी से होता है। कोटड़ी गाम पहाड़ी से होता है। कै कांकणी, कै कोटड़ी। एस फोर एस साबी सेवर की पहाड़ी। बी फोर बी, बी फोर बी इसका क्या मतलब हुआ? बी से बेराट और बी से बाणगंगा। बाणगंगा का उद्गम बेराट की पहाड़ी से होता है। बाणगंगा का उद्गम बेराट की पहाड़ी से होता है। बी फोर बी बाणगंगा बेराट की पहाड़ी। बाणगंगा बेराट साबी सेमर, साबी सेमर, साबी सेमर, बाणगंगा बेराट, कै कांकणी, कै कोटड़ी, कै कांकणी, कै कोटड़ी। चंबल तो राजस्थान की जान है, चंबल तो राजस्थान की जान है। जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? चंबल का। कि चंबल तो राजस्थान की जान है, चंबल तो राजस्थान की जान है, जाना पाव पहाड़ी। बी बाणगंगा बेराट। एस फोर एस साबी सेमर, साबी सेमर। जैसे एक नदी है मेंथा, और हमेशा याद रखो कि मैं कहता हूं कि एम फोर एम याद रख लो। मेंथा का उद्गम मनोहरपुर थाना से होता है जयपुर में। मनोहरपुर थाना से होता है मेंथा, मनोहरपुर थाना से होता है। कै कांकणी, कै कोटड़ी, लेकिन जब नदी आ जाए ना कांतली आपके सामने तो इसको कैसे याद रखना है? कांतली में दो शब्द, एक खंडेला एक मंडेला, तो सिक्कर की खंडेला पहाड़ी से उद्गम होता है। खंडेला पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और मंडेला, मंडरेला नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। कैसे कांकणी, कैसे कोटड़ी, कांतली में खंडेला मंडेला, कांतली में खंडेला मंडेला याद रख लो। एक नदी आती है रूपा रेल, और इस नदी को ऐसे याद रखना आप कि रूपा रेल नदी का उद्गम अलवर जिले की थानागाजी तहसील, अलवर जिले की थानागाजी तहसील उदयनाथ पहाड़ी से होता है। उदयनाथ पहाड़ी से होता है, उदयनाथ पहाड़ी से होता है। अलवर जिला थानागाजी तहसील उदयनाथ पहाड़ी। अब आप कहोगे सर इसका और बताओ कि याद कैसे करें? अब मैं कहता हूं याद ही है ये। तो देखो रूपा रेल, और रेल कौन बनाता है? रेल बनाते हैं थाने वाले। ऐसी रेल बनाते हैं कि नाथ बना देते हैं, तो याद हो गया उदयनाथ, उदयनाथ। बस एम फोर एम कांतली खंडेला मंडेला, रूपा रेल थानागाजी तहसील। माही का उद्गम अमरू पहाड़ी से होता है। माही, माही, माही का उद्गम अमरू पहाड़ी से होता है। अमरू पहाड़ी से होता है। सर याद कैसे करें? याद क्या करना है? माँ को अम्मा बोलते हैं ना, माँ अम्मा,
माँ अम्मा अम्मोरू, चंबल तो राजस्थान की जान, चंबल तो राजस्थान की जान, माँ को अम्मा बोल दो। बनास खम्मा घणी, बनास खम्मा घणी, खमनोर की पहाड़ी। बनास का उद्गम खमनोर पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी। बनास का उद्गम खमनोर की पहाड़ी। फिर लूणी का उद्गम लूणी, इसका उद्गम इंपोर्टेंट नदी है नागपाड़ी। याद कैसे करें सर, लूणी का उद्गम नागपाड़ी से याद कैसे करें? याद क्या करना है ये बता रहे हैं ना। अरे भाई नै का नै से ही उद्गम हुआ, लूणी का उद्गम नागपाड़ी से हुआ। नै नै याद रख लिया, लूणी नागपाड़ी, लूणी का उद्गम नाग की पहाड़ी से होता है। अजमेर में बोलते हैं ना नाग की पहाड़ी से। कौन सी नदी का उद्गम होता है? लूणी का उद्गम होता है, लूणी का उद्गम नागपाड़ी। घगर का उद्गम शिवालिक या कालका पहाड़ी, घगर का उद्गम शिवालिक या कालका पहाड़ी से होता है, शिवालिक या कालका पहाड़ी से होता है। घगर का उद्गम शिवालिक या कालका पहाड़ी से होता है, घगर का उद्गम शिवालिक या कालका पहाड़ी से होता है। लूणी नाग पहाड़ी, लूणी नाग पहाड़ी। अब वो क्वेश्चन जो आपको लाइव चैट में नहीं मेन कमेंट बॉक्स में बताना है, पूरा ध्यान से सुनिए। अगर मैं कहता हूं राजस्थान की लंबी नदी, राजस्थान की लंबी नदी, तो आप कहोगे सर चंबल है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रश्न ये है पूर्णतः राजस्थान की लंबी नदी कौन सी है, कौन सी है, इसका आंसर बताना है आप। पूर्णतः राजस्थान की लंबी नदी कौन सी है तो आप कह देना, जो भी आंसर हो लाइव चैट में नहीं मेन कमेंट बॉक्स में। एक बार वापिस एस फोर एस साबी सेवर की पहाड़ी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कांकणी कोटड़ी बाणगंगा विराट, बाणगंगा विराट, चंबल तो जान है राजस्थान की जान है, लूणी नाग पहाड़ी है ना, घगर शिवालिक, घगर शिवालिक, एम फोर एम कांतली में खंडेला मंडेला, रेल बनाएंगे थाने वाले एसी के नाथ बना देंगे, माँ को अम्मा बोलते ही है, और बनास खमनोर की पहाड़ी, बनास खमनोर की पहाड़ी। तो याद तो हो सकता है ना, बस आप हौसला रखें, विश्वास रखें कि याद हो रहा है तो याद होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीएसटीसी है, चाहे पीटीटी है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो संकल्प में सभी ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं। ऑफलाइन बैच मंगलवार से शुरू हो रहे हैं सभी के, तो मोस्ट वेलकम रहेगा। और यदि आप मेरे से राजस्थान का जीके पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स है, जिसके अंदर अभी मैंने वही प्राइज रखा है जो शुरुआत में दिया, तो इसमें अभी बढ़ोतरी नहीं की है। और इधर ये राजस्थान के जीके की बुक आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करिए, और जो पहली बार चैनल पर आए वो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद जय भारत।